अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 में यूनिट नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर्स ऑपरेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ 2-3 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 40 ओपन कर लें, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एग्जांपल को किस तरह से एलेबोरेट किया गया है। देयर आर 378 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 145 बुक्स ऑफ इस्लामियात इन अ लाइब्रेरी, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से प्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने 300 ले लिए, उसके बाद हमने 70 ले लिया और फिर हमने 8 ले लिया, ठीक है। यानी कि हंड्रेड्स में हमने 3 ले लिए, टेंस में हमने 7 ले लिए और वंस में हमने 8 ले लिए। उसके बाद हमने हंड्रेड्स में 100 ब्लॉक ले लिए, टेंस में 40 ब्लॉक्स ले लिए और वंस में 5 ब्लॉक्स ले लिए। जब हमने इन ब्लॉक्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास 523 ब्लॉक्स आ गए। जी, क्योंकि हमने वंस में 1 को ऐड किया था, 8 में 5 को ऐड किया तो 3 आ गए। जैसे कि 13 का 3 हमने लिख दिया और 1 हमने टेंस की तरफ कैरी दे दिया। अब हमने टेंस में 10 को ऐड करना है, यानी कि 7 में 4 को ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे अपना कैरी वाला 1 भी ऐड करेंगे, यानी कि 1 प्लस 7 प्लस 4, इन तमाम को ऐड करने से हमारे पास 12 आ रहा था, जिसका 2 हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 हंड्रेड्स वाली साइड पर कैरी दे देंगे। अब यहाँ पे हंड्रेड्स में 100 को ऐड करते वक्त हमारे पास 1, 3 और 1 मौजूद है, तो जब हमने इन सब को ऐड किया तो 5 आ गया। अब हमारे पास आंसर में 523 आ रहा है। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बुक के पेज नंबर 41 पे मौजूद तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। याद रहे, जब आपने कैरी देना है तो आपने उस नंबर का वंस वाला हिस्सा अपने आंसर में लिखना है और टेंस वाला हिस्सा आपने नेक्स्ट साइड पर कैरी दे देना है, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये तमाम क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस मेथड की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। जी तो बच्चों, अब आपको पता चला कि जब आपने कैरी देना है तो किस तरह देना है। जब भी आपके पास आंसर में 2 डिजिट नंबर आएगा तो आपने उस 2 डिजिट नंबर वाले का राइट साइड वाला डिजिट यानी कि वंस आंसर में लिखना है और लेफ्ट साइड वाला डिजिट यानी कि हंड्रेड्स आपने साथ वाले नंबर पे कैरी दे देना है और फिर उसको उसके साथ मिला के ऐड कर लेना है। यही तरीका होता है कैरी देने का। जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है, एडिशन के अंदर कैरी देना होता है हमेशा, कभी भी हम कैरी नहीं लेंगे। तो इसलिए जब भी आपने एडिशन के क्वेश्चन करने हैं तो आपने कैरी को इसी तरह से लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये लेसन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।